जय शिवशंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस माले से आप जप करते हैं ना, उस माला को चैतन्य सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित करने की विधि क्या है। मैं बिल्कुल आपको व्यवहारिक और आसान तरीका विधि बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही कम समय में और सुविधापूर्वक संपन्न कर सकते हैं और घर पर ही कर सकते हैं, स्वयं के हाथों से कर सकते हैं, किसी के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विषय में मैं आपके लिए क्या जानकारी लेकर आया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मित्रों, देखिए होता क्या है कि जिस माले से आप जप करते हैं उस माले का चैतन्य होना आवश्यक है। सिद्ध, चैतन्य, प्राण प्रतिष्ठित, ये जो भाषाएँ हैं ये पर्यावाची भाषा है और अर्थ केवल एक ही है कि माले में इष्ट के प्राण होना, उनकी प्राण शक्ति होना, ठीक है। उसी को आप कह सकते हैं माला सिद्ध होना, चैतन्य होना, प्राण प्रतिष्ठित होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर माला निर्जीव होगी तो उससे क्या ऊर्जा मिलेगी जापक को? वो जब करता रहेगा उसे ऊर्जा उसके केवल मंत्र से ही प्राप्त होगी, जब प्राप्त होनी होगी, जैसे प्राप्त होनी होगी। किंतु साधक के लिए माला एक हथियार होता है। साधना के मार्ग में साधक का सबसे बड़ा हथियार माला होता है। जिस प्रकार एक शिकारी जंगल में बिना शस्त्र के नहीं जाता है शिकार करने, क्योंकि उसका शिकार हो जाएगा, उसी प्रकार से एक साधक जब साधना के मैदान में शुरू में उतरता है तो उसके हाथ में सबसे बड़ा हथियार उसका माला होता है। और ये जब माले में ही ऊर्जा नहीं होगी तो वो हमें क्या ऊर्जा देगी और हम जल्दी से कैसे प्रोग्रेस करेंगे, हमारी साधना कैसे जगेगी? साधना के जगने में माला का नितांत प्राण प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। और जो माला ही निर्जीव है, वो माला तो पत्थर कंकड़ के समान है, फिर वो हमें क्या फल देगी? और जैसे ही हम माले को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं और फिर उसके बाद उसकी साधना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते ही उसमें उन इष्ट का, दैवी शक्ति का, ईश्वरीय शक्ति का अंश आ जाता है, तब हमारा वही मंत्र मतलब हजार गुना लाख गुना फलदायी हो जाता है, ये फायदा होता है। तो चलिए जानते हैं कि माला को चैतन्य करने की विधि क्या है। सबसे पहली विधि तो मैं आपको तीन चार विधियाँ बताऊँगा। पहले तो सबसे पहली विधि ये है कि अगर आप चाहें तो अपने माले को किसी ज्योतिर्लिंग, मतलब जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है, या किसी शक्ति पीठ के विग्रह मतलब मूर्ति से जाकर के स्पर्श करा लें, उसमें ऊर्जा आ जाएगी, उसमें चेतना आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद, नहीं तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर रुद्राभिषेक हो रहा हो आपके घर में या आपके किसी परिचित के घर में, तो वहाँ रुद्राभिषेक में शिवलिंग के समीप ही आप किसी पात्र में अपने उस माले को रख दें और उसमें वो ऊर्जा चेतना आ जाएगी, ठीक है। तीसरा उपाय क्या है कि तीसरा उपाय आप अपने गुरु महाराज के हाथों से स्पर्श करवा लें, उसे उसमें चेतना आ जाएगी, ठीक है। और चौथा उपाय जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो विशेष उपाय है, विशेष तरीका है, विशेष विधि है। इसमें आपको क्या करना है कि किसी पात्र में फूल बिछा लें, फूल की पंखुड़ियाँ बिछा लें, उस पर माला को रखें, माला के सुमेरु पर कुमकुम लगा दें, थोड़ा सा पुष्प अक्षत लगा दें माला के सुमेरु पर जहाँ माले का जोड़ होता है, और उसके पश्चात फिर माले को आप धूप दीप इत्यादि करें, धूप दिखा दें, एक दीप दिखा दें। अब उसके बाद जो मंत्र मैं आपको बतला रहा हूँ उस मंत्र का वहीं पर 5 बार उच्चारण करें माले को देखते हुए, ठीक है। और वो मंत्र क्या है, ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्तस्तस्माने सिद्धिदा भव, ओम अविघ्नम कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसिद्ध मम सिद्धये, ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। ये माला को चैतन्य कर देती है ये मंत्र, ठीक है। आप इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं, अगर आपको ये किसी पात्र में रखने की, फूलमाला बिछाने की अगर सुविधा नहीं है तो बाएं हाथ में रखकर दाएं हाथ से ढक लीजिए और ये मंत्र बोल दीजिए, माला चैतन्य हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए उस माले से जप करने पर आपको कैसा आनंद आता है। वो माला गले में भी पहन लिया तो आपका सुरक्षा कवच का काम करेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।